दिल्ली में आज शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के काफिले का पीछा करने लगी। स्मृति ईरानी की सरकारी कार ने खुद उस कार को रोका और 100 नंबर पर कॉल की। घटना उस वक्त की है जब स्मृति ईरानी एयरपोर्ट से अपने आवास की तरफ जा रही थी। इसके बाद स्मृति ने खुद चाणक्यपुरी थाने जाकर पीछा करने की शिकायत दर्ज करवाई। कार में सवार 4 लड़के दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र बताए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की गाड़ी का पीछा करने वाले चारों लड़कों को इस वक्त चाणक्यपुरी थाने में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिस गाड़ी से वो स्मृति ईरानी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे वो गाड़ी इस वक्त चाणक्यपुरी थाने में खड़ी हुई है। ये सेंट्रो गाड़ी जो आपके वक्त सामने इस वक्त दिख रही है ये HR 55 हरियाणा नंबर की गाड़ी है, जिसमें ये लड़के स्मृति ईरानी की गाड़ी का पीछा कर रहे थे और पुलिस की मेडिकल जांच में ये सामने आ चुका है कि चारों ही लड़के उस वक्त नशे में थे। पुलिस की जांच में अभी पूरा मामला सामने साफ होकर नहीं आ पाया है। ये घटना बताई जा रही है तकरीबन शाम 5:30 बजे की है, जब मोतीबाग फ्लाईओवर के पास से स्मृति ईरानी का कारवां एयरपोर्ट से वापस आ रहा था और उस वक्त उन्हें महसूस हुआ कि ये लड़के इस गाड़ी से उनकी गाड़ी का लगातार पीछा कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने एक PCR कॉल की। उसके बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस गाड़ी को रोके रखा और इसके बाद उन्होंने इन लड़कों को थाने में लाकर दे दिया, जिसके बाद उनको हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे कानूनी पहलुओं पर विचार की जा कर रही है कि आखिर कानून की किन धाराओं के तहत स्मृति ईरानी का पीछा करने वाले इन लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। कमसन हेमंत के साथ गौरव श्रीवास्तव, ABP न्यूज़ दिल्ली। सीधे आपको लिए चलते हैं ABP न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, क्या अपडेट आपके पास, क्या जानकारी मिल पा रही है, पीछा क्यों कर रहे थे ये छात्र? अभी उनकी मंशा नहीं पता लग पाई है, लेकिन जिस तरीके से मेडिकल जांच में ये साफ हुआ कि चारों ही लड़के नशे में थे, ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नशे की हालत में कहीं ना कहीं उन्होंने अपना नियंत्रण खोया और इस तरह की हरकत उन्होंने की। लेकिन सबसे बड़ी इस पूरे मामले में बात यह है कि स्मृति ईरानी ने खुद PCR कॉल की और उसके बाद खुद थाने जाकर शिकायत दी इस पूरे मामले में, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि अभी ये नहीं पता लग पाया है कि जो लड़के हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे थे, लेकिन जो दिल्ली पुलिस की तरफ से वक्तव्य दिया गया उसमें कहा गया है कि उन्होंने मिसबिहेव किया और तकरीबन शाम को 5:18 की बात है जब म्यांमार की एम्बेसी के पास महसूस हुआ स्मृति ईरानी को कि कार में बैठे वो चारों लड़के उनके साथ बदसलूकी वाला व्यवहार कर रहे हैं या प्रदर्शित कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी से सिक्योरिटी गार्ड के साथ उस गाड़ी का पीछा किया और फ्रेंच एम्बेसी जो कि चाणक्यपुरी इलाके में ही है वहां पर उन जाकर चारों ही लड़कों को रोक लिया और उसके बाद वो चारों लड़के वहां रुके रहे। PCR कॉल की गई, पुलिस आई और उसके बाद उनको लेकर गई, उसके बाद उनकी पूरी तरह से मेडिकल जांच हुई। अभी पुलिस की और यहां पर बयान की जरूरत है कि किस तरीके का मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि FIR की बात अभी सामने नहीं आई है। हालांकि कड़ी पूछताछ चल रही है और पुलिस पूरे मूड में दिख रही है कि इन लोगों को एक सबक सिखाया जाए। हालांकि किस तरीके का पूरा ये मामला कानूनी पहलुओं के तहत बनेगा इस पर पुलिस पूरी तरीके से विचार कर रही है, लेकिन अभी मामला ये है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई स्मृति ईरानी ने उसमें खुद स्टैंड लेते हुए। बिल्कुल छोटे में बताइएगा, क्या इन छात्रों के बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई है इनके बैकग्राउंड को लेकर? नहीं, बैकग्राउंड की जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस गाड़ी से ये पीछा कर रहे थे वो हरियाणा की टैक्सी नंबर की गाड़ी थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि ये कॉलेज के छात्र टैक्सी की गाड़ी में क्या कर रहे थे, क्या वो घूमने निकले थे या वो उनके किसी जानने वाली की गाड़ी थी? अभी कुछ देर में ही आप देखेंगे कि अभी दिल्ली पुलिस के जो स्पेशल CP हैं नई दिल्ली रेंज के, वो एक ऑफिशियल बयान दे रहे हैं और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि पूरा मामला क्या था, और ये बयान थोड़ी देर में भी आप इस खबर पर आप नजर बनाकर रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।